हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिवाज टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बैटल स्टीड एआई केवाईसी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बैटल स्टीड एआई के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसके माध्यम से केवाईसी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से इन्होंने बताया है। इस वीडियो में क्या प्रोसेस बताया है, स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बैटल स्टीड एआई के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियली ये अपडेट आ चुका है। केवाईसी वेरिफिकेशन गूगल अथेंटिक के माध्यम से कैसे आपने केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो अपलोड किया गया है बेसिकली ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में स्टेप बाय स्टेप इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसकी मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ और आपको हिंदी में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने गूगल अथेंटिकेटर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले आप लोगों ने बैटल स्टीड एआई केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए अपनी बैटल स्टीड एआई की ऐप को ओपन करना है और नीचे की तरफ आपको माई प्रोफाइल की ऑप्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे की तरफ जाना है, गूगल अथेंटिकेटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका कोड आपने कॉपी करना है, यहाँ से जो कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और क्यूआर कोड आपने यहाँ से स्कैन भी कर लेना है अगर क्यूआर कोड के माध्यम से आपने करना है। तो इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है, नीचे की तरफ आपको 6 डिजिट का एक गूगल अथेंटिकेटर कोड आपने डालना होगा। वो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाकर गूगल अथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करना होगा। स्क्रीन पर ये आपको दिखाएंगे गूगल अथेंटिकेटर ऐप के बारे में। सबसे पहले तो आपने ये कोड कॉपी कर लेना है, गूगल अथेंटिकेटर का ये जो ऐप आपके सामने शो किया जा रहा है इसको प्ले स्टोर से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने जाना है गूगल अथेंटिकेटर ऐप में और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा प्लीज कंफर्म आफ्टर बाइंडिंग द गूगल अथेंटिकेटर दिस पेज ओनली शो वंस आई हैव ऑलरेडी बाउंड पर आपने क्लिक नहीं करना है अभी तक, जब तक ये जो कोड आपने कॉपी कर किया है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल अथेंटिकेटर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे की तरफ आपको एंटर ए सेटअप की देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपने उस गूगल अथेंटिकेटर का जो आपको कोड दिया गया है एप्लीकेशन बैटल स्टीड में उसको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंटर करने के लिए नीचे की तरफ आपने एंटर ए सेटअप की पर ये जो आपको दिखाया जा रहा है एंटर ए सेटअप की पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर ए सेटअप की पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आने वाला है। ये देखिए, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अकाउंट नेम में आपने क्या डालना है, आपने डाल लेना है यहाँ पर BATTLE बैटल BA, ये आपको करके दिखाएंगे BATTLE बैटल स्टीड आपने नाम रख लेना है, अकाउंट नेम की जगह बैटल स्टीड आपने यहां पर डाल देना है जिस तरीके से ये आपको करके दिखा रहे हैं वीडियो में। तो ये बैटल स्टीड अकाउंट नेम आपने डाल दिया और नीचे की तरफ यूअर की आपको देखने को मिल रहा होगा कॉलम गूगल अथेंटिकेटर ऐप में, तो आपने जो कोड वहां से कॉपी किया है यूअर की में आपने यहां पर इसको दबाकर रखना है थोड़े टाइम के लिए और जो गूगल अथेंटिकेटर आपने कॉपी किया है उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए आप लोगों के सामने गूगल अथेंटिकेटर जो कोड वहां से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने ऐड, नीचे की तरफ आपको ऐड की ऑप्शन देखने को मिलेगी, सिंपली आपने ऐड पर क्लिक कर देना है और आपके सामने एक 6 डिजिट का कोड देखने को मिलेगा। ये बारी बारी से एक आधे मिनट में चेंज होता रहता है, हर एक मिनट आधे मिनट में ये चेंज होता रहेगा। ये कोड आपने डालना होगा वहाँ पर जब भी किसी टाइम आपको ये एप्लीकेशन केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है, करने के बाद जिस टाइम आपकी गूगल अथेंटिकेटर की मांगेगा तभी आपने ये डालना होगा। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी बाउंड पर क्लिक कर देना है तो आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। बहुत से व्यूअर के हमें लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे कि सर हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन हो नहीं रही है। तो दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी APK फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर किया था और यहाँ पर भी AIA एप्लीकेशन
का डाउनलोड आपको लिंक दिया गया है यहाँ डाउनलोड करने के लिए। ये देखिए बैटल स्टीड गूगल एपीके डाउन, ये आपने डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि ये न्यू प्रोसेस है, न्यू एप्लीकेशन का इंटरफेस चेंज हुआ है। जो ओल्ड प्रोसेस के माध्यम से आप लोग KYC करते थे, सबसे पहले आप लोगों ने बैटल स्टीड गूगल APK ऐप को डाउनलोड करना है, अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपके सामने फिर ही गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप की ये ऑप्शन देखने को मिलेगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे रिवाजटेक GSM टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद बिल्कुल फ्री में आप हमारे रिवाजटेक GSM टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जो लेटेस्ट एयरड्रॉप होते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले मैं अपने रिवाजटेक GSM टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी चैट क्रिप्टो एयरड्रॉप मैंने शेयर किया है जिस टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो भी मैं एयरड्रॉप का वीडियो यहाँ पर शेयर करता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, उसके रिगार्डिंग आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हम सभी लोगों के क्वेश्चन का यहाँ पर सलूशन करते हैं, सभी लोगों की क्वेरी का यहाँ पर सलूशन किया जाता है। तो बिल्कुल फ्री में रिवाजटेक GSM टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिंग लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि